हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली एक भारत की शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। आप सभी ने कितने सारे लोगों के तरफ से सुना होगा कि दिल्ली में लोग मुखर्जी नगर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, IAS PCS बनने के लिए, लक्ष्मी नगर आते हैं CA बनने के लिए। उसी के साथ साथ दिल्ली में लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ने आते हैं। आज हम इस वीडियो में दिल्ली की 5 बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे डिटेल में। उनमें आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, साथ ही उनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएं तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, अभी हम इस वीडियो में पहले नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो कि दिल्ली में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में होगी कि दिल्ली में कौन कौन सी टेक्निकल बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसकी रैंक हम ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो सेकेंड रैंक पर है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और इसमें अगर हम कोर्सेज़ की बात करें कि कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से लेकर साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम में, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि आप यहाँ से जनरल कोर्स नहीं कर सकते जो कि है BCom या BCom प्रोग्राम या ऑनर्स। आप यहाँ पे MA इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं कॉमर्स में, लेकिन यहाँ पे और भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, लाइक BTech करना चाहेंगे आप तो BTech कर सकते हैं, PhD, MPhil और बहुत सारे कोर्सेज। एडमिशन प्रोसेस की बात करें कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, तो आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड होता है जो कि NTA कंडक्ट कराती है। फैसिलिटीज़ की बात करें कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है वो अफोर्डेबल फ़ीस। यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं यहाँ पे, आप अगर आउट ऑफ टाउन के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आके हॉस्टल में रह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे नो डाउट, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज़ निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी सारे बच्चे अच्छे अच्छे पढ़कर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे ऑलरेडी हैं इंडिया में। तो नंबर 1 पे था हमारा JNU। नेक्स्ट फिर बात करते हैं गाइस, जो हमारी लिस्ट में है नंबर 2 पे वो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एज लाइक JNU। इसकी NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में 10th रैंक पर है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रैंक में। कोर्सेज़ की बात करें कि कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सभी स्ट्रीम्स के कोर्सेज मिल जाते हैं, जनरल कोर्स से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक, लाइक BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, BTech भी कर सकते हैं आप यहाँ से, लॉ में BL भी कर सकते हैं 5 ईयर वाला। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड होता है प्लस इंटरव्यू फॉर जनरल कोर्सेज, और बाकी कोर्सेज टू कोर्स वेरी भी करता है एंट्रेंस प्रोसेस। लाइक अगर BTech का अगर आप बात करें कि BTech में कैसे एडमिशन होगा, तो JEE मेंस के जो आपके स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। BDS का रिजल्ट आपका नीट के बेसिस पे डिपेंड करता है, तो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोसेस। बाकी जनरल कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया खुद कंडक्ट करवाती है प्लस इंटरव्यू होता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 1 नंबर की है, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेस्ट है एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अफोर्डेबल फ़ीस है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली में आकर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग के बारे में बात करें तो 11th नंबर पे है ये ऑल ओवर इंडिया में, साथ ही यूनिवर्सिटी की रैंक के अकॉर्डिंग भी इसके जो कॉलेजेस हैं वो भी इंडिया में टॉप पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इंडिया का 2nd नंबर 1 टॉपेस्ट कॉलेज हिंदू कॉलेज, SRCC, सेंट स्टीफन, रामजस, किरोड़ी मल, बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो टॉप 20 में परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप 20 पे हैं वो ऑलरेडी हर साल की NIRF रैंकिंग में। तो DU इसलिए सभी स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है कि यहाँ के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के। कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जनरल कोर्स से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक यहाँ पे आपको मिल जाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, MBA, MCom, BTech कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के थ्रू, LLB कर सकते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ,
दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि आपको 3 ईयर LLB कोर्स प्रोवाइड कराती है। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस बेस्ड होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सभी जगह एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसलिए इसका क्राइटेरिया भी कोर्स टू कोर्स वेरी कर जाता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल हैं यहाँ पे सभी कॉलेजेस के, जो भी कॉलेजेस हैं उनमें हॉस्टल हैं, अच्छे फैकल्टीज़ हैं, क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल फ़ीस है सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल फ़ीस में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको एजुकेशन के मामले में किसी भी एक अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नंबर 4th पे चलते हैं जो गाइज हमारे पास है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक स्टेट टाइप यूनिवर्सिटी है जिसके जो कैंपस हैं वो बेसिकली 3 जगह पे हैं, कश्मीरी गेट, लोधी रोड एंड करमपुरा, इन 3 जगहों पे इसके कैंपस हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। कोर्सेज की बात करें तो जो BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स से लेकर लॉ, प्रोफेशनल एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी सारे टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसके प्रोविजंस थोड़े डिफरेंट हैं, इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो अगर आप UG कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो UG कोर्स के लिए कट ऑफ आती है जो 12th बेस्ड होती है, 12th मार्क्स के बेसिस पे होती है। PG कोर्सेज के बारे में बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, इनके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है PG कोर्सेज में। तो गाइज आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी पढ़ाई है। सो नंबर 5th पे चलते हैं जो कि हमारे पास है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की रैंक के बारे में बात करें ऑल ओवर इंडिया में तो वो है 57th NIRF रैंकिंग। IP यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो एन स्टेट टाइप यूनिवर्सिटी और इसकी कॉलेजेस भी जो हैं वो इसमें सेल्फ फाइनेंस्ड और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, तो आप इनमें किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जो दिल्ली के हैं और जो एफिलेटेड हैं IP यूनिवर्सिटी से उसमें भी पढ़ सकते हैं, या फिर IP यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें भी पढ़ सकते हैं। कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से लेकर कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, BTech, लॉ और जनरल कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस बेस्ड होता है यहाँ पर एडमिशन हर साल, फीस थोड़ी DU के कंपैरिजन और JNU के कंपैरिजन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अदर प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत ही कम है, अच्छी है फीस, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, इंद्रप्रस्थ, जिसको फुल फॉर्म है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सो गाइज ये थे कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की जिनमें आपको एडमिशन लेना ही चाहिए। साथ ही साथ जब आप इनमें एडमिशन लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई का जो एक लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका होता है। तो इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेकर दिल्ली आएंगे, आई होप। बाकी इस वीडियो को लाइक करें अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।